बॉस एक आम खबर लाया हूँ। खबर के बच्चे, मैंने तुम्हें हजार दफा कहा है कि जब मैं लाल परी के साथ हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बोलो क्या खबर लाए? तो टाइगर गैंग की डील हुई थी ना हीरो की अंडरवर्ल्ड के साथ, समीर नाम का बंदा वो हीरे लेके आ रहा है। पहली बार कोई अच्छी खबर लाए। टाइगर ग्रुप के मास्टर ली के भाई को मारकर हम उसे पहले ही आधा कर चुके हैं और अब उसके हीरे लूट कर उसे सड़क पर मारिया। यस बॉस। मैं जानता हूं कि बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत बोरियत महसूस कर रही हो। यस बॉस। आज हम मास्टर ली के हीरे लूटने जा रहे हैं, तुम उस पर मौत बनकर झूठ पड़ो। यस बॉस। आज मास्टर ली की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और बहुत जल्द मैं आपको उसके मरने की इत्तला दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि आज मेरे सबसे पुराने दुश्मन मास्टर ली की जिंदगी का आखिरी दिन। ओके ओके बाबा, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू। तू तो गया। Thank you.
बॉस समीर की फ्लाइट तो आ गई है मगर समीर का कुछ पता नहीं है। फिक्र मत करो, समीर पे मुझे पूरा भरोसा, धीरे लेके लाजमी पहुँचता हो। बॉस ब्लैक ईगल को भी इन हीरो की डील का पता चल गया है। ब्लैक ईगल ग्रुप को इस डील का पता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ किया और उनकी कब्रें यहीं पे बनी। बॉस हमें फिर भी ब्लैक ईगल ग्रुप से मुहतात रहना चाहिए। मुझे वैसे भी ब्लैक ईगल ग्रुप से बहुत पुराना हिसाब छुपाना है। उन्होंने मेरे भाई को मार के अपनी बर्बादी का बीज तो बो दिया है, अब देखो कब हमें उनकी फसल काटनी पड़ती है। हेलो। हाँ समीर, मैं हीरे लेके पहुंच गया था हॉस्टल में, लेकिन वहाँ पे दो आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ यहाँ पे। तुम ऐसा करो, जंगल वाले अड्डे की तरफ आ जाओ, हम लोग वहीं पे आ रहे हैं। मैं जंगल वाले पॉइंट की तरफ पहुँच रहा हूँ, आप भी वहाँ पे आ जाएं ताकि मैं आपको आपकी इमानत दे सकूँ। समीर की कॉल आई थी, ब्लैक ईगल ग्रुप ने उस पर हमला किया और उसे किडनैप करने की कोशिश की और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग गया। अभी वो जंगल वाले पॉइंट की तरफ है तो हमें भी वहीं पे जाना चाहिए, ऐसा ना हो ब्लैक ईगल ग्रुप उसे ही रचे। मुहावरा ही उल्टा हो गया। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, अरे यहाँ यहाँ तो गीदड़ की मौत आई, उसने जंगल का रुख कर दिया। इससे बैग ले लो और अगर नहीं देता तो छीन लो। चल रे, बैग निकाल। देख क्या रहा है, हम बैग भी देखेंगे और बैग के साथ साथ कुछ और भी देखेंगे, और अगर बैग से हीरे निकल आए तो फिर इसकी लाश को यहाँ के जंगली जानवर खाएंगे। बैग दे, बैग देता है या तेरी खोपड़ी उड़ाऊं। बैग को हाथ मत लगाना वरना हाथ से जाओ। ये तो बोलता भी है और काफी गलत बोलता है, लगता है इसकी बोलती बंद करनी ही पड़ेगी। बैग देता है या उड़ा दू तेरी खोपड़ी। मैं तुम्हें फिर गया, बैग को हाथ मत लगा, मेरा रास्ता मत रोको, जाने दो मुझे। ये तो फिल्मी हीरो है, फिल्मी हीरो लेक्चर रहता है। माय डियर, तुम पे हमें भरोसा नहीं, तलाशी तो हम लेंगे, तुम ची करो या पू। क्या निकला? अरे
क्या पोपट माल है, अबे कहां छुपा के रखा था? अब पता चला क्यों मरे जा रहा था बैग दिखाने के लिए। क्या माल छुपा के रखा है, अरे इसे देख के तो मैं क्या